हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। तो अभी देखिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के सवाल आपको कराए जा रहे हैं। तो सुबह में देखिए मैंने ये वाला प्रश्न आपको कराया था, अभी जो मैं प्रश्न कराऊंगा इस टाइप का कराऊंगा। इन दोनों प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बच्चे ऐसे टाइप के तो प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं तो वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो सुबह का क्लास नहीं किए थे, पहले मैं उनको बता देता हूँ इसको सॉल्व करके, जिससे वो भी क्या इस टाइप के प्रश्न समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1+2+3+5+6 इस तरह से लिखा रहेगा क्या 80 तक, यानी 1 से 80 तक सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो इसमें देखिए सम संख्या भी लिखी हुई है, विषम संख्या लिखी है, तो यानी सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है जो 1 से 80 तक लिखी गई हैं। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या का मतलब जो यहाँ पर लिखी है, पहली संख्या क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। प्लस क्या होता है लास्ट वाली संख्या कितनी है आपकी 80 है, तो 80 लिखेंगे। बटे में आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पर गुणे करना पड़ेगा ये कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं 80 संख्याएं, तो हम यहाँ पर 80 लिख लेते हैं। 2 से हम क्या 80 को काट देते हैं, 2 40 बार में 80 कट जाएगा। अब 80 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। 81 गुणे कितना करेंगे 40 करेंगे। अब जब आप इनका गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 0 था तो 0 लगा देंगे, यानी 3240 ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर होगा। यानी 1 से 80 तक की अगर संख्या आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3240। अब जब आप ये पहला टाइप का प्रश्न लगाना सीख गए, यानी इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप यही फार्मूला लगाएंगे, आसानी से क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो ये प्रश्न है इसको समझना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो ये आपका देखिए दूसरा प्रश्न बनता है कि 2, 4, 6, 8+... लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी सम संख्याओं का योग करना है। पहले वाले प्रश्न में क्या था, सम संख्या और विषम संख्या दोनों लिखी गई हुई थी, उनका योग किए थे आप। लेकिन इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 यानी सभी सम संख्या लिखी गई हुई हैं, इनका आपको योग करना है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। पहली संख्या यानी पहली संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अंतिम संख्या क्या है 60 है, तो यहाँ पर आप 60 लिखेंगे, यहाँ पर बटे 2 लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर गुणे क्या करना होता है, कितनी संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्या आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 60 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से लेकर 60 तक आपको बताना है कि कितनी इसमें सम संख्याएं हैं। तो अगर आप 60 तक देखेंगे तो इसमें क्या होता है 30 सम संख्याएं और 30 क्या हैं विषम संख्याएं। तो 30 सम संख्या और 30 विषम संख्या इसमें है, तो तभी ये यहाँ पर 60 तक पहुँची है। तो आपको सम संख्या लिखना है, तो यहाँ पर आप गुणे क्या करेंगे 30 लिखेंगे। 2 से आप 30 को काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। अब 60 और 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 में गुणे आप क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे, तो फाइनली आपका आंसर कितना निकल कर आएगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 62 × 15 करेंगे, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 हासिल, 3 आपका, 15 × 6 = 90, 3 कितना हो जाएगा 93, यानी 930 इसका फाइनली क्या होगा आंसर होगा। तो 2 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग 930 होगा। चलिए मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न है देखिए, आपको पूछा है कि 2 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 80 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर देखिए 80 में 40 सम संख्या होगा और 40 क्या होगा विषम संख्या होगा। यानी 2 से 80 तक कितनी सम संख्याएं हैं 40 हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6, 8, इसमें कहीं विषम संख्या लिखा है, तो वही हम विषम संख्या को क्या निकाल देते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है 2 है, इसके बाद प्लस क्या होता है अंतिम संख्या कितनी है 80 है, बटे 2 करते हैं गुणे ये कितनी संख्याएं हैं। तो 2 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्या है 40 है, तो यहाँ पर हम 40 लिखते हैं। 2 से हम 40 को काट देंगे 20 बार में कट जाएगा, 82 कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, 82 में गुणे आप क्या कर देंगे 20 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 × 8 = 16, आगे 0 0 लगा देंगे, 1640 ये आपकी क्या होगा उत्तर होगा। यानी 2 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्या है 1640 है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपका देखिए, 60 तक सभी विषम संख्याओं का आपसे योग पूछा है। तो 60 तक सभी विषम संख्याएं कैसे आप लिखेंगे, 1+3+7+... जितनी विषम संख्याएं उनको आप लिखेंगे,
प्लस कहाँ तक लिखेंगे, 59 तक लिखेंगे, क्योंकि 60 आपकी क्या है, सम संख्या हो जाएगी। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 से 60 तक कितनी सम संख्याएं और कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 30 आपकी सम होंगी और 30 आपकी क्या होंगी, विषम होंगी। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएगा, पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है, 59 है, 59 लिखेंगे, बटे में 2, गुणे क्या करेंगे, सभी विषम संख्याएं कितनी हैं, तो 30 हैं, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में कटेगा, 59 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 गुणे आप 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी 900 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा आप क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए बोला है कि 21 से लेकर 75 तक सभी विषम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 21 है, 21 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या 75 है तो 75 लिखेंगे, बटे क्या लिख देंगे, 2, गुणे क्या करना है, 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आप 75 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 75 तक लिखेंगे, अगर पूछा होता कि 1 से लेकर 75 तक सभी संख्याओं का योग, तब तो आप 75 लिखते, क्योंकि अभी आपको 21 से लिखना है, तो 21 से पहले वाली संख्याएं तो गायब हैं जो 1 से 20 वाली हैं, तो 1 से 20 तक संख्याएं क्या हैं, गायब हैं। तब आप क्या करोगे, 75 में से क्या करोगे, 20 घटा लोगे, तब आपको पता चलेगा यहाँ पर 5 है, 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी 55 आ जाएगा। तो 21 से लेकर 75 तक की संख्याएं कितनी है, 55 संख्याएं हैं, ये संख्याएं 20 क्या है, गायब है, उसी को हमने क्या हटा दिया, तो 55 पता चल गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, सदैव पता करेंगे। अब यहाँ पर 21 और 75 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे कितना करना है, 55 करना है, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बच रहा है। अब 2 से आप 96 को क्या काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16, 48 गुणे आपका कितना आया है, 55 आया है। जब आप इनको गुणा करोगे तो 2600 कितना आ जाएगा, 2640 आएगा। ये इसका, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप से चाहे आपसे सम का पूछे चाहे विषम का पूछे, आप इसी तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे। अब इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला है कि 10 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग आपको निकालना है। 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, यानी सभी सम संख्याएं लिखी है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो सबसे पहले आप पहली संख्या क्या है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 60 है, तो 60 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, कितनी संख्याएँ हैं, तो आप हमेशा 10 से लेकर 60 तक कितनी अगर पूछ दी जाए, कितनी सम संख्याएं, तो आप जल्दी नहीं बता पाओगे। आप इस चीज़ को हमेशा क्या करिएगा, 1 से 60 तक निकालिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 60 तक कितनी सम संख्याएं, तो आप कहोगे 30 क्या है सम संख्याएं और 30 आपकी विषम है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं गायब हैं, यहाँ पर 10 से लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं गायब हैं, अब उसमें पता करिए कितनी सम संख्याएं हैं। तो उसमें क्या है आपकी, हमेशा आप निकाल लीजिएगा 9 तक देखेंगे, तो उसमें आपको क्या, 4 आपकी सम संख्याएं मिलेंगी और 4 आपकी विषम। कौन कौन सी सम संख्याएं मिल जाएंगी, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, इसके बाद 9 जो है आपका विषम है, फिर 10 से यहाँ पर लिखी गई हुई हैं, तो 4 आपके क्या है, सम संख्याएं। तो वही क्या नहीं लिखी गई हुई हैं, तो उनको हमको निकालना पड़ेगा। 30 में से हम क्या 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्याएं हैं, 26 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 26 लिखेंगे। इसी तरह से आप हमेशा सॉल्व करेंगे, चाहे सम का पूछे चाहे विषम का। अब हम क्या इनको जोड़ लेते हैं, 60 10 कितना हो जाएगा, 70, 70 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 26, 35 दूना कितना होता है, 70, और 35 गुणे आप 26 कर लेंगे, तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 910 आएगा। ये फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जोर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।